हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। वेल, दुनिया में आजकल एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट है भाई। कंपटीशन ही इतना हो गया है कि कोई किसी को आसानी से यानी कि लाइटली ले ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों, खाना तो हर रेस्टोरेंट वाले खिलाते हैं, लेकिन बात अब उससे आगे निकल गई है। खाने के स्वाद के साथ साथ आपके रेस्टोरेंट के पास क्या अलग अंदाज है, ये बहुत जरूरी हो गया है। तभी तो आजकल कोई टॉयलेट शेफ का रेस्टोरेंट बना रहा है, तो कोई लड़कियों के शरीर पर खाना रखकर लोगों के बीच में खाना परोस रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स, जिसे देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर ही दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में आजकल सब कुछ कितनी जल्दी से बदलता जा रहा है। जी हाँ, ये देखिए वियतनाम का ये कॉफी हाउस। दुनिया में आपने हजारों तरह के कॉफी हाउस देखे होंगे, लेकिन ये कुछ अलग ही किस्म का है। जी हाँ, ये देखिए कैसे यहाँ पर मछलियाँ फ्लोर पर तैर रही हैं। जानते हैं ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ के ऑनर का मानना है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता। ऐसे में दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में आकर न सिर्फ वो कॉफी का मजा ले सकते हैं, बल्कि दोस्तों मछलियों के होने की वजह से यहाँ आने वाले लोग अपने पैरों की मसाज भी करा सकते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जब आपके पैरों पर मछलियाँ चलती हैं तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। क्या बात है। इसी को देखते हुए इन्होंने फिश कॉफी कैफे का डिजाइन तैयार कर दिया। इसी को कहते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी। अब है द डिजास्टर कैफे। दोस्तों, क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहेंगे जहां आपको बार बार भूकंप के झटके लगे। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट का नाम ही है डिजास्टर कैफे, जो कि स्पेन के लोरेट डी मार शहर में है। जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, आपको लगता है मानो कुछ भयानक प्रलय आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में आपको 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप के झटके लगते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी तेज झटके लगे तो खाना भी तो टेबल से गिर जाता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपके खाने वाले टेबल को छोड़कर हर जगह ये झटके आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ के वेटर भी आपसे ऐसे ऑर्डर लेते हैं मानो यहाँ कोई प्रलय आ गई हो, दुनिया खत्म होने वाली हो। लेकिन जो एक बार इस रेस्टोरेंट में खाना खा लेता है, वो बार बार यहाँ खाने के लिए आते हैं। टेस्ट के मामले में भी इस रेस्टोरेंट को स्पेन के चुनिंदा होटल्स में शुमार किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो यहाँ पर अपना पहला एक्सपीरियंस लेने आए हैं, उनके लिए खाना यहाँ पर खाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये बात आप सोच भी नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि खाना खाते खाते टेबल से प्लेट नीचे गिर जाए। 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप के झटके बहुत खतरनाक होते हैं भाई। चलिए अब बात करते हैं टॉयलेट रेस्टोरेंट ताइवान। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा रेस्टोरेंट जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, न जाने किस सोच के साथ इसे बनाया गया। दोस्तों, ये है टॉयलेट रेस्टोरेंट जो कि है ताइवान देश में। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर सब कुछ टॉयलेट बेस पर ही बना हुआ है। दोस्तों, टॉयलेट रेस्टोरेंट ताइवान में खाने को परोसने वाली चीज से लेकर खाने को बनाने के अंदाज तक हर चीज में टॉयलेट को घुसाया जाता है। यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ के खाने को ही देख लीजिए। जी हाँ, ये देखिए यहाँ का खाना, कैसे यहाँ पर पोटे के अंदाज में खाने को लगाया जाता है, कैसे पीने को आइटम को ऐसे ही दिया जाता है जैसे कि ये यूरिन से रिलेटेड हो। इनफैक्ट दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के मेनू की, तो उसमें भी सब कुछ टॉयलेट से ही रिलेटेड डिश के नाम दिए होते हैं। आपको बता दें कि ये रेस्टोरेंट ताइवान तो छोड़िए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। क्या बात है, यहाँ पर हर शाम हजारों में लोग आते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर आपको वही लोग मिलेंगे खाना खाते हुए जो कि अपने खाने के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि क्या आप यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर जिस प्लेट में खाना दिया जाता है वो भी टॉयलेट सीट की तरह दिखता है। वेल दोस्तों, ऐसे में तो यहाँ पर खाना खाना बड़ी ही मुश्किल बात है, लेकिन लोगों के बीच में इस रेस्टोरेंट का क्रेज तो है। लोग आ रहे हैं और यहाँ खाना खा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट बेंगलोर। दोस्तों, अब जो हम आपको रेस्टोरेंट दिखाने जा रहे हैं वो भी सबसे अलग है। जी हाँ, अगर आपको जेल के खाने की फीलिंग लेनी है या जानना है कि हमारे खूंखार कैदी जेल में कैसे खाना खाते हैं, तो उसके लिए आपको क्राइम करके जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मामला बिल्कुल आसान कर दिया गया है बेंगलोर के एक रेस्टोरेंट के ऑनर ने। इन्होंने देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के अंदाज पर बना दिया है बेंगलोर में ये सुपर पॉपुलर रेस्टोरेंट, जिसका नाम है सेंट्रल जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस जेल में जाने का मौका मिला, इस रेस्टोरेंट में, तब जाकर आपको पता चलेगा कि जेल में कैदी कैसे खाना खाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होगा।
और जब आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको कैदी वाली ड्रेस दी जाती है। यहाँ के वेटर भी कैदी के ड्रेस में ही खाने का ऑर्डर लेते हैं, जबकि रेस्टोरेंट के सारे मैनेजर पुलिस ड्रेस में नजर आते हैं, मतलब कि फुल ऑन चोर पुलिस वाली फीलिंग। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ अलग से रूम में खाना खाना है तो उसके लिए यहाँ सलाखें भी तैयार की गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बिना जेल गए जेल वाली फीलिंग लेनी है तो चले जाइए इस रेस्टोरेंट में, जहाँ जिस बर्तन में आपको खाना खिलाया जाता है वो भी एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ताकि आप अपने आप को कैदी ही समझें। तो जाइए बंगलोर के इस रेस्टोरेंट में और बन जाइए कैदी। वैसे आपको बता दें कि यहाँ के खाने की भी खूब तारीफ की जाती है। कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट में न सिर्फ आपको अलग अलग अंदाज में खाना खाने को मिलता है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपको स्वादिष्ट खाने का भी स्वाद मिल जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले आप इस रेस्टोरेंट में जाकर खाना जरूर खाइए। लैपलैंड स्नो विलेज रेस्टोरेंट। दोस्तों, आपके मन में हमेशा ही ये सवाल आता होगा कि यार अंटार्कटिका के आसपास जो लोग रहते हैं वो कैसे अपना खाना बनाते होंगे और कैसे सोते होंगे, क्योंकि वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जो है। आया है क्या आपके मन में ये सवाल कभी? अगर आया तो इसका जवाब हम आपको देंगे ना। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका के तर्ज पर हर साल फिनलैंड देश में अक्टूबर के महीने में तैयार किया जाता है ये लैपलैंड स्नो विलेज रेस्टोरेंट। हर साल इस होटल को बर्फ से तैयार किया जाता है। इस होटल के अंदर आपको बेडरूम से लेकर रेस्टोरेंट सब कुछ मिलता है। सबसे खास बात इस होटल की ये है कि यहाँ सब कुछ बर्फ का ही बना होता है, एक्सेप्ट आपके खाने को छोड़कर। अगर कोई ड्रिंक चाहिए तो वो भी आपको बर्फ के गिलास में ही मिलती है। खाना खाने वाली प्लेट भी आइस की ही होती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रात इस होटल में बिताने वाले को आइसमैन का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर आपको है बर्फ में रहने का शौक तो आपके लिए ये होटल कम रेस्टोरेंट है परफेक्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, ये भी कमाल का रेस्टोरेंट है, क्या बात है। इथा रेस्टोरेंट मालदीव्स। दोस्तों, मालदीव्स कितनी खूबसूरत जगह है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ समंदर में कई होटल्स बने हुए हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मालदीव्स में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि समंदर के बिल्कुल नीचे बना हुआ है? जी हाँ, सही सुना आपने। इथा रेस्टोरेंट समंदर से 16 फीट नीचे बना हुआ है। यहाँ जब आप खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आप पानी के नीचे खाना खा रहे होते हैं और आपके ऊपर बहुत सारी मछलियाँ समंदर में तैर रही होती हैं। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में एक साथ मात्र 14 लोग ही खाना खा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप एक बार यहाँ खाना खाते हैं तो वो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर आप भी कभी मालदीव्स जाएं तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाकर खाना खाइए। यहाँ एक बार जो आता है वो लाइफ टाइम यहाँ के अनुभव को नहीं भूल सकता। कहते हैं कि यहाँ पर कई लोग आकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज भी करते हैं। वाह, क्या बात है। ब्लाइंड कैफे कनाडा। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट भी बहुत अलग है। क्या आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करेंगे जहां आपको कुछ दिखे ही ना? जी हाँ, इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है। दोस्तों, जब आप इस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक ऐसे रूम में ले जाया जाता है जहां होता है गुप्त अंधेरा। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर भी ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। आपके टेबल पर खाना सर्व किया जाता है और आपको अंधेरे में ही खाना खाना पड़ता है। इस रेस्टोरेंट में आप कभी भी अपना फोन या कोई टॉर्च लेकर नहीं जा सकते। रेस्टोरेंट के ओनर के मुताबिक अंधेरे में खाना सर्व करने के पीछे साइंटिफिक कारण है। उनका कहना है कि जब गुप्त अंधेरे में आप खाना खाते हैं तो उस समय आपके सारे सेंसेस और भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में आप खाने का स्वाद और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उसी समय आपसे ऑर्डर ले लिया जाता है, बस आपको खाना अंदर में खाना पड़ता है। आपके लिए हमारे लिए बड़ा ही अजीबोगरीब हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि टोरंटो में ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर है कि यहाँ खाना खाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। और दोस्तों, अब हम आपको जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी तो बात ही सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है चाइना देश में जहाँ पर की खाना परोसने वाले वेटर मेल एंड फीमेल दोनों को बिकनी पहनकर रहना होता है? जी हाँ, चीन है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर सब कुछ खुलेआम होता है। आप चाहे महिला बिकनी वाले वेटर के साथ मस्ती भी कर सकते हैं और ये अलाउड है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई एक ही वेटर बार बार आए जो आपको ज्यादा खूबसूरत लगती है तो दोस्तों वो भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर आशिक मिजाज के लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन जब से यहाँ के ऑनर ने बिकने का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया तब से दोस्तों पूछे ही नहीं, यहाँ तो न जाने लोगों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं कि यहाँ पर कई पैसे वाले लोग सिर्फ मौज करने के लिए आते हैं। जो लड़के वेटर होते हैं उन्हें भी शर्टलेस जाना होता है और महिलाएं इनके साथ भी मौज करती हैं। क्या बात है। दोस्तों, लगता है कि यहाँ पर खाना कम और खाने को गरम ज्यादा करते हैं। एंड द लास्ट, डिनर इन स्काई बेल्जियम।
दोस्तों धरती पर आपने बहुत खाना खा लिया, अब चलते हैं आसमान की तरफ। बेल्जियम का द स्काई डिनर दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इस रेस्टोरेंट में आपको खाना खाने के लिए जमीन से 100 मीटर ऊपर जाना होता है, यानी कि आप हवा में सैर करते हुए इस तरह के पकवान का स्वाद चखते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप अपना ऑर्डर नीचे ही करते हैं, उसके बाद आपको एक चेयर पर बिठा दिया जाता है, आपको पूरे तरह से बेल्टों की मदद से बांध दिया जाता है और फिर एक क्रेन की मदद से 100 मीटर ऊपर लेकर जाया जाता है। इस हवाई रेस्टोरेंट में एक साथ 20 लोग खाना खा सकते हैं। 20 खाने वाले लोगों के साथ 6 वेटर भी होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के चेयर्स इतनी खतरनाक होती है कि आप इसे 90 डिग्री एंगल पर फॉल्ट कर सकते हैं। साथ ही इस रेस्टोरेंट में जब आप खाना खा रहे होते हैं उस समय यहाँ के चेयर्स भी बहुत कम स्पीड में मूव कर रही होती हैं, ताकि आपको आसमान से भी अलग अलग नजारा दिखता रहे और आप खाना खाने का मजा भी ले सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है, कोई कमेंट करना है, तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।